SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगिड, सहायक आचार्य चित्रकला। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग विश्व के महानतम चित्रकारों के जीवन एवं उनके कृतित्व के बारे में अध्ययन एवं चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले हमने उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों के बारे में चर्चा की। आज हम उत्तर प्रभाववाद के प्रमुख चित्रकार पॉल गोगवे के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अंग्रेजी में जो नाम है इसका, वह आप सामने देखिए स्लाइड में, ये फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। इसके उच्चारण में कई बार इसको पॉल गोगविन अथवा पॉल गोगवे के नाम से पुकारा जाता है। पॉल गोगवे का जन्म 1848 ईस्वी में हुआ। यहाँ आप देखिए, यह जो पोर्ट्रेट है पॉल गोगविन का है, फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। पेरिस में इनका जन्म हुआ 1848 में, 7 जून को इनका जन्म हुआ और 1903 8 मई को इनकी मृत्यु हुई। लगभग 54 वर्ष का जीवन इन्होंने प्राप्त किया है। इन्होंने पेंटिंग, स्कल्पचर, एंग्रेविंग इन सब में कार्य किया। इनके पिता फ्रेंच पत्रकार थे एवं माता किसी पेरू देश के वंश की थी। दोनों ही समाजवादी विचार के थे। वे नेपोलियन के सत्तारूढ़ होते ही वे पेरू देश चले गए, जहां पॉल के पिता की मृत्यु हुई। आयु के 17वें साल में पॉल फ्रेंच व्यापारी जहाज पर नाविक की नौकरी करने लगे। इससे पहले इन्होंने 3 साल तक किसी कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में अध्ययन किया और उसके बाद में किसी इंस्टीट्यूट में प्रवेश भी लिया, लेकिन कला की इन्होंने कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की। और 17वें साल में इन्होंने किसी व्यापारी जहाज पर नौकरी की। 7 साल नौकरी करने के बाद इन्होंने पेरिस के स्टॉक ब्रोकर के कार्यालय में नौकरी की एवं इसके 2 साल बाद उनका डेनमार्क के किसी लड़की से विवाह हुआ। अब सफल पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक सारी साधन संपत्ति इनको प्राप्त हो गई और सुखी सामाजिक जीवन के पथ पर वे अग्रसर हुए, प्रगतिशील हुए। फुर्सत के समय में गोगवे चित्रकला व हस्तकला में रुचि लेने लगे। इनका मकान मालिक एक मूर्तिकार था और उसके पास में एक कार्य कक्ष भी था। पॉल गोगवे उस कार्य कक्ष में काम करने लगे। इसके अलावा एमिल सुफा नेम उनका एक सह कर्मचारी था, जो एक शौकिया चित्रकार भी था। उसने पॉल गोगवे को प्रभाववादियों से परिचय करवाया। इसी प्रकार कामये पिसारो ने गोगवे का चित्रकला में मार्गदर्शन दिया। पिसारो के साथ गोगवे प्रकृति चित्रण करने लगा। गोगवे को प्रभाववादी चित्र बहुत पसंद थे और उन्होंने माने, मोने, रेनवार, पिसारो, सेजान के चित्र भी खरीदे। जिन कलाकारों की कला में नए क्रांतिकारी तत्व होते हैं, उनको मान्यता के लिए परंपरागत विचार शक्तियों से संघर्ष करना पड़ता है। समय के साथ उनके विचारों की सत्यता का लोगों को धीरे धीरे पता चलता है। वह कला क्षेत्र में नए विचार प्रवाह को मान्यताएं मिलती हैं। उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों को भी ऐसे ही संघर्ष करना पड़ा, किंतु उनके द्वारा दिए गए प्रदत्त नए मूल्यों से 20वीं शताब्दी की कला का कल्पनातीत रूपांतरण हुआ। और उनमें से भी गोगवे ने यह सिद्ध किया कि यदि रंगों या रेखाओं के सहज गुणों का विचार करके उनके विशुद्ध रूप में व कल्पनापूर्वक योजना की जाए, तो कलाकृति सृजनात्मक व परिणामकारक हो सकती है। गोगवे नहीं चाहते कि रंगों का प्रयोग केवल छाया प्रकाश का आभास दिखाने के लिए किया जाए अथवा रेखा का प्रयोग केवल वस्तु की बाह्य आकृति को हूबहू अंकित करने के लिए किया जाए,
गोगवे ऐसा नहीं चाहते। वे प्रभाववादियों के रंगांकन के संदर्भ में भी कहते कि कोई भी निश्चय के साथ नहीं कह सकता कि प्रभाववादी जो कलाकार हैं और इन्होंने जो चित्र बनाए हैं उनके रंग दृश्य के उसी समय के सही रंग हैं। यह सब रंग झूठ लगते हैं, निर्जीव से हैं। गोगवे ने सिद्ध किया कि सृजनात्मक कला में कलाकार के आंतरिक विचार महत्व रखते हैं, वास्तव सृष्टि का बाह्य रूप उसमें महत्व नहीं रखते। ऐसे विचार थे पॉल गोगवे के। आज हम उनको दो वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। पहले इस वीडियो में हम उनके ब्रितनी काल के बारे में और उनके कुछ प्रसिद्ध चित्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरे वीडियो में हम उनके टाहिटी के चित्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनकी कला का प्रभाव कई आधुनिक कलाकारों पर पड़ा, जैसे पाब्लो पिकासो, हेनरी मातिस, इनकी कला पर। इनकी कला इनकी मृत्यु के बाद लोकप्रिय हुई डीलर एम्ब्रोइज वोलार के प्रयासों से, उनके द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनियों में। गोगवे के चित्रों का जो प्रदर्शन किया गया उससे इनकी कला लोकप्रिय हुई। जीते जीत इनकी कला ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई। पॉल गोगवे एक चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर, सेरामिस्ट और लेखक के रूप में प्रतीकवादी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने लकड़ी में उत्कीर्णन का कार्य भी किया है। अठारह सौ 76 की राष्ट्रीय प्रदर्शनी में गोगवे का एक चित्र स्वीकृत हुआ। ये जो आप न्यूड पेंटिंग देख रहे हो यह पॉल गोगवे ने बनाई, जो उनकी पहली पेंटिंग है। 1880 में इस पेंटिंग को पॉल गोगवे ने बनाई है। एक न्यूड महिला का चित्र है जो आप इसमें देखिए। इस चित्र को शीर्षक दिया विवस्त्र स्त्री, जिसकी कला समीक्षक यूमा ने बहुत ही प्रशंसा की और इससे प्रोत्साहित होकर गोगवे ने नौकरी छोड़ दी और सारा समय कलाकार्य में लगाने लगे, कलाकार्य में व्यस्त रहने लगे। इसके बाद कई कला दीर्घाओं का दौरा किया, उभरते कलाकारों का कार्य खरीदा, पेशारों से दोस्ती हुई। इससे जब ये पूरे दिन कलाकार्य में व्यस्त रहने लगे तो जब नौकरी इन्होंने छोड़ी तो पत्नी व सह कर्मचारियों ने इसका विरोध किया, परंतु पॉल गोगवे ने अपना संपूर्ण समय कला साधना में लगाने का निश्चय कर लिया। इसके पश्चात गोगवे सह परिवार रुआ रहने लगे और उसके बाद कोपेनहेगन चले गए। वहां उन्होंने चित्रों की प्रदर्शनी की, किंतु डेनमार्क की सरकार ने लोगों के विरोध को देखकर उनको बंद करवा दिया। पॉल गोगवे एक अजनबी व्यक्ति थे जिनके स्वभाव के बारे में कोई निश्चित मत व्यक्त करना कठिन है। उनकी मुखाकृति स्पष्ट व दृढ़ता के भाव लिए हुए थी। वे शरीर से मजबूत और स्वभाव से झगड़ालू व्यक्ति रहे हैं। साहसपूर्ण व रहस्यमय जीवन को पसंद करते। कलाकार के रूप में प्रसिद्ध होने पर वे अक्सर विचित्र पोशाकें पहनकर घूमते। उसके पश्चात 1885 में वे वापस पेरिस आ गए, लेकिन इससे पहले जो चित्र इन्होंने बनाए, जैसे आप इस स्लाइड में देखिए, ये 1879 के कुछ चित्र हैं, जैसे विगार्ड में इनके द्वारा बनाया गया मार्केट गार्डन का चित्र है, ऊपर देखिए आप। इसके अलावा इसी समय का दूसरा चित्र है विंटर लैंडस्केप, जो नीचे हैं। साइड में जो चित्र हैं 1881 का बनाया हुआ है मैडम गोगवे का है, और 1881 में इनके द्वारा वेरी गार्ड में जो गार्डन का चित्र है, ये उनके कुछ इस समय के चित्र हैं जिनको आप इन स्लाइडों में देख सकते हो। 1885 में वे वापस पेरिस आ गए और छोटा मोटा काम करने लगे, परंतु इस समय इनकी पत्नी इनसे झगड़ा करके चली गई और पारिवारिक जिम्मेदारियों से पॉल गोगवे पूर्णतया मुक्त हो गए। इसके पश्चात पॉल गोगवे पो आवा चले गए, जहाँ के
प्राकृतिक वातावरण और सौंदर्य से वे प्रभावित हुए। ब्रितनी के चित्रों में गोगवे की प्रभाववाद से भिन्न निजी शैली का उदय स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। पोआवा में कुछ उत्साही नव कलाकारों का मंडल गोगवे के कला संबंधी विचारों से आकर्षित हुआ। वे गोगवे से कला की चर्चा करते और उनके कलाकृतियों का अध्ययन करके उनसे प्रेरणा लेते। आर्थिक स्थिति में कोई सुधार होने की आशा नहीं थी। इसके पश्चात मार्टिनिक द्वीप पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने फिर से कुछ चित्र बनाए हैं। मार्टिनिक द्वीप में यहाँ पे जो इन्होंने चित्र बनाए उसमें ये जो चित्र हैं वुमेन बाथिंग महिलाओं का स्नान, यह कुछ चित्र उनके फ्रांस के समय के भी हैं जो आप इन स्लाइड्स में देख सकते हो। इसके अलावा ब्रेटन गार्ड, ब्रेटन बाथर, ये उनके उस समय के कुछ चित्र हैं जो फ्रांस और मार्टिनिक के द्वीप में बनाए गए चित्र हैं। मार्टिनिक द्वीप में लगभग 2 दर्जन चित्र बनाकर गोगवे वापस पेरिस लौट गए थे। ये मार्टिनिक द्वीप का जो चित्र है आप इसमें देख सकते हो, ये चित्र यहाँ का है और ये जो चित्र है उसके बाद में जब वापस फ्रांस आई उस समय के कुछ चित्र हैं जो मैंने आपको बताए। जो मार्टिन द्वीप है यहाँ पे जो चित्र बनाए उन चित्रों पर उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के सहतेज रंगों व स्पष्ट आकारों का परिणाम है। वह चित्र पेरिस काल की प्रभाववादी शैली से भिन्न स्वतंत्र शैली में बनाए गए। यह आप इनमें देखिए, गोगवे ने अब आकारों को गहरी बाह्य रेखा से परिसीमित करके चमकीले समतल रंगों से चित्रण करना आरंभ किया एवं यह उनकी स्वतंत्र अंकन पद्धति की प्रमुख विशेषता बन गई। वे संश्लेषणवाद पर जोर देते और अपने विचारों को सैद्धांतिक रूप देकर दृढ़ता से एवं सरलता व निर्णय के साथ कहते, जिससे जो नव कलाकार हैं उनके लिए वे प्रेरणा के स्थान बन गए, प्रेरणादायक बन गए। गोगवे के ब्रितनी चित्र विशुद्ध चमकीले रंगों का प्रयोग व स्पष्ट ऐठनदार बाह्य रेखाओं के अंकन से सामर्थ्यवान बन गए। जो ब्रितनी में इन्होंने चित्र बनाए, इन चित्रों में ब्रितनी के निवासियों के असभ्य किंतु धार्मिक व निष्कपट जीवन का दर्शन है। ब्रितनी काल के गोगवे के चित्रों में जेकोब का देवता से द्वंद्व युद्ध, यह बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र का संयोजन बड़ा अनोखा है। वृक्ष के तने की करणवत दिशा में चित्रित करके चित्र क्षेत्र को गोगवे ने 2 हिस्सों में विभाजित किया है, जिसमें से ऊपरी हिस्से में द्वंद्व युद्ध को और नीचे के हिस्से में श्रद्धा के भाव से द्वंद्व युद्ध को देखते हुए भोली ब्रितनी की स्त्रियों के जमाव को उनकी सीधी सादी पोशाक में चित्रित किया है। किसने किया? पॉल गोगवे ने। अंकन पद्धति में बाह्य रेखा युक्त आलंकारिक शैली का प्रयोग है व अभिव्यक्ति धार्मिकतापूर्ण है। चित्र संयोजन देगा के समान आकस्मिकता का प्रभाव लिए हुए हैं और रंगों में हरा, नीला, सफ़ेद व लाल रंग का इसमें विशुद्ध प्रयोग किया है और जहाँ तक संभव हो छाया प्रकाश का कम से कम प्रयोग इसमें किया है। गोगवे की स्वतंत्र शैली का यह आरंभिक सृजन है चित्र है। इसके बाद 1888 में गोगवे वान गोग के निमंत्रण को स्वीकार करके कुछ समय के लिए वान गोग के यहाँ गया, लेकिन दोनों में अनबन हो गई और वापिस ये चला आया। गोगवे व एमिल बर्नार ने अभ्यास के प्रभाव से मुक्त होकर बच्चों के समान चित्रण करने का अपना विचार घोषित किया। कुछ सीमा तक गोगवे की कला में बाल चित्रकला के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि चमकीले विशुद्ध रंगों का प्रयोग, स्वाभाविकता की अपेक्षा आलंकारिक आयोजनों का नियोजन, नैसर्गिक अनुपात की उपेक्षा एवं वस्तु के दृश्य रूप के स्थान पर काल्पनिक सरल आकारों का प्रतीकात्मक अंकन, ऐसे गुण उसकी चित्रकला में पाए जाते हैं। परंतु इन गुणों के अतिरिक्त गोगवे की कला में जो बौद्धिक ध्येयवाद है वह बाल चित्रकला में नहीं मिलता है।
गोगवे हमेशा अपने ध्येय की पूर्ति के लिए अनुकूल वातावरण को पसंद करते और ऐसे निसर्ग रम्य व कृत्रिम सभ्यता के बंधनों से मुक्त वातावरण को देखकर ही उन्होंने पृथ्वी को अपना निवास स्थान बनाया। वानगो ने प्रभाववादियों की दृश्यों को प्रत्यक्ष देखकर चित्रित करने की नीति की निंदा की और उन्होंने लिखा कि आँख के समीप जो वस्तु है उसकी वे खोज कर रहे हैं, विचार के गूढ़ केंद्र में जो हैं उसको वे नहीं देख पा रहे हैं, वे कल के पदारूढ़ चित्रकार हैं। प्रतीकवाद के मुख्य सिद्धांत के अनुसार कल्पना को कलाकृति में साकार करना कलाकार का मुख्य कार्य है। गोगवे की कला पर यह परिभाषा पूर्ण रूप से लागू होती है। उन्होंने टाहिटी के चित्रों में आदिम स्त्री की जो आंखों में छिपे हुए रहस्य व मानवीय जीवन के कूट प्रश्न को दृश्य रूप में दर्शकों के सामने रखा बहुत ही अद्भुत हैं। टाहिटी के चित्रों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सहज ज्ञान पर निर्भर रहकर सृजन करने का प्रयत्न व रोमांसवादी प्रकृति प्रवृत्ति के बीच द्वंद्व होने से गोगवे की कला में नुवो कला के तत्व दिखाई देते हैं। गोगवे का नुवो कला से प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं था, किंतु नुवो कलाकारों ने शोरा, सिन्याक, वानगो, तुलुज लोत्रेक व गोगवे की कला से प्रभावित होकर उनके चित्रों को बेल्जियम में प्रदर्शित किया था, जिससे उनकी कला को काफ़ी पथ प्रदर्शन भी हुआ। गोगवे की कला का जैसे विकास होता गया वैसे ही उसमें सर्प गति रेखाएँ व वक्रतापूर्ण काल्पनिक आकारों का दर्शन बढ़ता गया, जिससे उसको आलंकारित्व के साथ साथ जैविक सामर्थ्य भी प्राप्त हुआ। संश्लेषणवादियों की एक प्रदर्शनी आयोजित हुई और उसमें तरुण कलाकारों को गोगवे के सिद्धांतों का अधिक अध्ययन करने को मौका मिला। गोगवे ने संश्लेषणवादी चित्रकारों से अपना संबंध शीघ्र ही तोड़ लिया, क्योंकि वे अपनी कला को किसी वाद से सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे कहते, मैं किसी शैली या सिद्धांत के बंधन का विरोधी हूँ, यह एक प्रकार से अपने पड़ोसी का अनुकरण करने के समान होगा। मेरा उद्देश्य केवल परंपरागत बंधनों से कला को मुक्त कराना है, और यही विचार इसी विचार से उन्होंने चित्रण किया। गोगवे व एमिल बर्नार मध्ययुगीन रंगीन कांच चित्रों से प्रभावित थे एवं अपने चित्रों से कांच चित्रों के समान चमकीली रंग संगति का प्रभाव दिखाने के उद्देश्य से वे विशुद्ध रंगों का विस्तृत क्षेत्रों में प्रयोग करते, जो आप इन चित्रों में देख सकते हो। जापानी चित्रकला के प्रभाव से गोगवे वस्तु के आकारों को बाह्य रेखा से अंकित करने लगे। समकालीन फ्रेंच चित्रकारों में जापानवाद प्रिय हुआ था। जापानी छाप चित्रों वे मध्ययुगीन कांच चित्रों के समन्वय से गोगवे की शैली को नया रूप मिला। वे कहते, रेखा में रंगों का सामर्थ्य है। कौन कहते? पॉल गोगवे। चित्र में वस्तु का हूबहू सादृश्य दिखाने की निंदा करते हुए उन्होंने लिखा कि कला का कार्य मूल तत्वों का पृथक्करण करना है। वे प्राकृतिक रूप का विचार नहीं करते, बल्कि अपनी कल्पना को साकार करने के उद्देश्य से पट के समक्ष चिंतन कर दे। उनका जो ये चित्र हैं, आलिव के बगीचे में ईशा चित्र के बारे में उन्होंने लिखा, इस चित्र में वस्तु निरपेक्ष उदासीनता है, वह उदासीनता मेरे सृजन की आत्मा है। वे पुनः पुनः कहते, आकारों व रंगों में विचारों को जागृत करने का कितना आश्चर्यजनक सामर्थ्य है। यह बात पॉल गोगवे ने कही। गोगवे को विश्वास था कि चित्रकला को संगीत के समान रूप प्राप्त होता जा रहा है। उनका मत था कि संगीत की भांति चित्रकला वास्तविकता से इंद्रिय अनुभूति को पृथक करके विशुद्ध वस्तु निरपेक्ष रूप का दर्शन कराकर आत्मा पर प्रभाव डालती है। रंग संगतियों की स्वर रचनाओं से घनिष्ठ समानता है, ऐसा विचार उनका। इसी प्रकार उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र बनाया, पीला ईसा, येलो क्राइस्ट, जो आप इसमें देखिए। इस चित्र में उनका यह चित्र विशेष प्रसिद्ध है। इस चित्र पर प्राचीन रोमनेस्क शैली का प्रभाव है। खेत में खड़े किए क्रोश पर ईसा की पीली आकृति को एवं इनके आसपास उनको अभिवादन करते हुए भक्त स्त्रीगण को
पॉल गोगवे ने इसमें चित्रित किया है। घनत्व का परिणाम दिखाने के बजाय समतल आकारों को बाह्य रेखा से स्पष्ट किया है। वह दूरदर्शी लघुता के स्थान पर इसमें काल्पनिक रेखाओं से संयोजन किया है। गोगवे के कहे अनुसार पीला ईसा ने उन्होंने ग्रामीण लोगों की सीधी सादी निष्कपट किंतु कट्टर धर्म भावना को व्यक्त किया है। चित्रण पद्धति के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा, कला में गूढ़ जीवन का प्रकटीकरण होता है। इस जीवन को अनुभव करने के लिए प्रकृति में जा सकते हो, किंतु वहाँ स्वप्न देखो, वह सृजनशील बनो। पीला ईसा में भी ऐसे ही स्वप्निल दृश्य का प्रभाव देखा जा सकता है। गोगवे अपने विचारों को बहुत ही परिणामकारक ढंग से व्यक्त करते। प्रत्यक्ष देखकर चित्रण करने के बारे में वे कहते, आपके पास मॉडल का होना अच्छी बात है, किंतु यदि आप उसका चित्र बनाना चाहते हो तो उस पर पर्दा डाल दो, जिससे बना हुआ चित्र आपका निजी होगा, उसमें आपकी भावनाएं चित्रित होगी। ऐसे विचार पॉल गोगवे के रहे हैं। इस प्रकार आज हमने उनके कुछ चित्रों के बारे में और जीवन के बारे में चर्चा की है। जैसे उनका ये प्रसिद्ध चित्र है, ये शुरू में बनाई गई पेंटिंग है, न्यूड महिला का चित्र है, और यह भी 1879-81 के कुछ चित्र हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। यह है जेकोब का देवता से द्वंद्व युद्ध, उनका प्रसिद्ध चित्र है जिसके बारे में चर्चा कर चुके। यह आलिव के बगीचे में ईसा भी उनका महत्वपूर्ण चित्र है, और इसी प्रकार ये पीला ईसा उनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। अगले वीडियो में हम उनके टाहिटी में बनाए गए चित्रण या चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।